पिच्छू, तो पिच्छू ने इस बंजारे ने ही इस पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिच्छू नाम था इसलिए झील का नाम होया पिछोला। कुछ लोगों का कहना है कि पिछोला झील का नाम पिछोला इसलिए पड़ा था क्योंकि ये मेवाड़ के जो राज शासन था, जो राज भवन था, जिसके जस्ट पीछे वाली होने की वजह से, पीछे की वजह से इसका नाम पड़ गया पिछोला। देखो भाई, इस पिच्छू बंजारे को कोई शौक नहीं था कि मैं कोई झील बनवाऊ, लेकिन इसका एक बैल था वो मर गया, तो बैल की स्मृति में इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया। राजस्थान की सबसे सुंदर और प्राचीन झील पिछोला। तो ध्यान रखना भाई, राजस्थान की सबसे सुंदर द ब्यूटीफुल राजस्थान लेक द पिछोला। पिछोला झील के पास ही करण सिंह ने जग मंदिर का निर्माण करवाया भाई, जिसको पूरा किया पता ही आपको, बताने की जरूरत ना है। जग मंदिर, ये वही जग मंदिर है। शाहजहां ने इन जग मंदिरों की वजह से ही जब देखा कि जग मंदिरों की जो स्टाइलिश किस तरीके से बनी हुई है, तो इसी की प्रेरणा से जाकर के आगरा में क्या बनवा दिया, ताजमहल बनवा दिया। अरे मुमताज की याद में तो बनवाया, लेकिन ये जग मंदिर जो थे इनकी प्रेरणा ली और जाकर के वहां पर ताजमहल बनवा दिया। आज भी ताजमहल पर जग मंदिर की छाप छपी हुई है, उस पर ध्यान रखना। जैसे अमली मिर्डी ने राजस्थान, अमली मिर्डी नाम सुना हुआ आप सभी ने, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए भाई। मुखंद सिंह एक राजा था, रामपंत सिंह, अमली मिर्डी के चक्कर में उन्होंने एक महल बनवा दिया, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं, हाड़ौती का ताजमहल। तो इसी प्रकार से पिछोला झील के पास जग मंदिर बने हुए हैं, और देखे भाई पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा, किसका चबूतरा? नटनी का। वेरी गुड, आपको कैसे पता लगा? नटनी का चबूतरा बना हुआ है भाई पिछोला झील के पास, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना भाई, पिछोला झील पिच्छू बंजारा जग मंदिर बना हुआ, राजस्थान की सबसे सुंदर झील नटनी का चबूतरा पिछोला झील, ठीक है। इसी की प्रेरणा से उन्होंने ताजमहल बनवाया।